खबर है छत्तीसगढ़ बस्तर से, जहां थाना नगर नारधारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट अवैध रूप से गांजा परिवहन करते आरोपी चढ़े नगर नार पुलिस के हत्थे। दूसरे राज्य गांजा तस्करी करते महिला सहित दो आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 20.5 किलो गांजा कीमती 2 लाख रुपए किया गया जब्त। नाम आरोपी गुलाब चंद पिता चंदगी राम, उम्र 40 वर्ष, ग्राम पावड़ा जिला हिसार हरियाणा। बिमलापति उदयभान उम्र 46 वर्ष, ग्राम खांसी जिला हिसार हरियाणा। आपको बता दें कि जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल के दिशा निर्देश में एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन में थाना नगर नार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन रोकने के लिए और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में थाना नगर नार से कार्यवाही हेतु एक टीम गठित किया। पातासाजी के दौरान टीम के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उड़ीसा से जगदलपुर की ओर रही यात्री बस में 2 संदिग्ध व्यक्ति सवार है, जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर यात्री बस में आ रहे हैं, जहां तत्काल सूचना पर कार्यवाही की गई और उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी खबर आइए दिखाते हैं विस्तार से अपने संवाददाता सुखनाथ नाग के साथ।